नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में भगवान हनुमान जी की मूर्ति को देखने का क्या मतलब होता है। तो सपने में भगवान हनुमान जी की मूर्ति को देखने का मतलब जानने से पहले आप सभी मित्रों से मैं यही पुराना निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। अगर आपके पास में सपने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर पसंद आएगी तो उसे हम वीडियो बनाकर अवश्य भेजेंगे। चलो बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देख रहा है कि वह भगवान हनुमान जी की मूर्ति को देख रहा है या हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर रहा है, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा रहा है, तो यह एक बेहद शुभ सपना है। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भगवान हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं, आपके समस्त दुख दर्दों को वो दूर करने वाले हैं। फर्क इतना है कि आप उनकी सेवा को अब अधिक बढ़ा दें, आप उनकी पूजा अर्चना को अधिक बढ़ा दें, तो कुल मिलाकर आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या का अंत होने वाला है। भगवान हनुमान जी बल बुद्धि विद्या निधान है, हर प्रकार के कष्टों को दूर करने में सक्षम है। वह अष्ट सिद्धि और नवनीत के दाता है। तो ऐसे भगवान हनुमान जी का दर्शन और या उनकी मूर्ति का दर्शन समस्त कष्टों का अंत होने का राज बताता है। तो जय माता दी, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।